अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर। एक दफा फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। रख बीट मेरा भरा हो रातां लंबियां ना सोके समय कीते बर्बाद नॉन सिंग। आज की वीडियो चंद दोस्तों के गुजारिश पे मैं बना रहा हूँ। पाकिस्तान से मैं अल्लाह के फजल से वापस पहुँच चुका हूँ स्विट्ज़रलैंड। तो आज की वीडियो मैं बनाऊँगा यहाँ पर आप कैसे स्टडी पर आ सकते हैं स्विट्ज़रलैंड और यहाँ का पीआर आप कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने मुस्तकबिल में स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका मुस्तकबिल यहाँ पर स्टडी में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको यहाँ पर दूसरे मुल्कों के नस्बत स्टडी बहुत अच्छे से करनी को मिलती है। स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ है तो वो दुनिया की गिनी चुनी और मानी हुई यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तस्लीम की जाती है। और स्विट्ज़रलैंड दुनिया के 20 यानी जो अमीर तरीन कंट्रीज़ है उनमें भी स्विट्ज़रलैंड का शुमार होता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टडी पे आते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है और यहाँ पर आप बहुत कुछ दूसरे मुल्कों के नस्बत अच्छे से सीख सकते हैं और स्टडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ये प्रूव नहीं करना होगा कि उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, जिसकी वजह से वो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटियों में पढ़कर मतलब अपना टाइम यानी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये उनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मेडिकल टेस्ट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने मेडिकल का जो टेस्ट है वो पास करना है, वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी नियरेस्ट स्विस एम्बेसी में स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें शर्त यह है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए उस मुल्क से, मतलब स्विट्ज़रलैंड से, जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज से आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जो स्टडी की एक्सपेंसेस हैं वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के नस्बत थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टडीज़ है वो पब्लिक फंडेड है, तो यानी पब्लिक फ़ंड करती है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ की आवाम के लिए खोले जाते हैं, तो ज़्यादातर वो समझे कि पब्लिक ही उनको डोनेट करती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस चलते हैं। एज़ कम्पेयर अगर आप की कर लें दूसरे मुल्कों के नस्बत, तो स्विट्ज़रलैंड में जो पर ईयर यहाँ की फ़ी होती है वो 15,000 स्विस फ्रंक से लेकर 40,000 स्विस फ्रंक तक हो सकती है, तो जो कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, अगर बात की जाए स्टडी के बाद वर्क करने की, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर देते हैं, मतलब अपनी जो एजुकेशन होती है जिसके लिए वो स्विट्ज़रलैंड आए होते हैं, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो यानी उनके पास ये राइट होता है कि वो स्टडी कंप्लीशन के बाद भी 6 महीने तक स्विट्ज़रलैंड में रह सकते हैं। इस दौरान वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, अगर उनको जॉब मिलती है तो उसका ये मतलब है कि वो स्विट्ज़रलैंड में अपना जो एम्प्लॉयर होगा उनका, तो उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्विट्ज़रलैंड में रह सकते हैं। इन 6 महीनों में आपको लाजमी जॉब ढूंढनी पड़ती है, मतलब स्टडी वीज़े को अगर आप वर्क परमिट में चेंज करना चाहते हो तो। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर वो स्टडी के साथ जॉब भी करना चाहते हैं तो वो जॉब कर सकते हैं, उनको अलाउड है स्टडी वीज़े पे भी, लेकिन वो हफ्ते में 15 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं करेंगे, यानी 15 घंटे ही करेंगे। तो इसका मतलब है 15 घंटे वो जॉब करेंगे हफ्ते में और उसके अलावा वो स्टडी करेंगे, तो 15 घंटे भी यहाँ पर 23 फ्रंक जो है वो पर हावर यहाँ पर मतलब आप काम कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बनता है। फिर भी 15 घंटे में भी आप एज अ स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी बना ही सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्टडिंग इन स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह लिविंग चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़, मतलब डिपेंड करता है फीसिस पे और जगहों पे। तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा तो उसकी जो लिविंग कॉस्ट होगी, मतलब स्टडिंग एंड लिविंग कॉस्ट टुगेदर जो होगी ऑल कम्बाइंड, वो तकरीबन 1600 फ्रंक से 2000 फ्रंक तक तो लाजमी होगी, जिसके अंदर वो स्टडी भी करेगा मंथली, मैं कह रहा हूँ,
मतलब 1600 फ्रैंक से 2000 फ्रैंक तक आपको लाजमी मंथली पे करना है, तो तब आप स्विट्ज़रलैंड में रह भी सकते हैं और आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस की, जैसे PR कहते हैं, सेटलमेंट की, तो आपको स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 10 साल रहना पड़ेगा या 12 साल, उसके बाद तो तकरीबन 12 साल के बाद तो बिल्कुल आप सिटीज़न कहलाते हो। तो आपको 10 से 12 साल यहाँ स्विट्ज़रलैंड में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर मुकम्मल जो परमानेंट रेजिडेंट होती है, मतलब जो सेटलमेंट होती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होती है। जब आप 10 साल गुजार लेते हो, 12 साल गुजार लेते हो, तो समझो आप यहाँ इस मुल्क के रेजिडेंट बन जाते हो। रेजिडेंट नहीं बनते हो, मतलब आप सिटीज़न, बल्कि बिल्कुल आप नेशनल बन जाते हो इस मुल्क के। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन 10 साल भी बहुत अरसा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर लाइफ इतनी ईजी है, तो 10 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और आप स्विस के नेशनल बन चुके होंगे। मेरे भी तकरीबन 8 साल 9 साल होने वाले हैं, तो अभी मैं हाफ स्विस कहलाता हूँ, तो इंशाल्लाह हाफ भी बन जाऊँगा चंद एक दिनों बाद। तो गाइज़, ये तो थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपके चंद फ्रेंड्स की मैसेजेस की वजह से मुझे ये वीडियो इमरजेंसी में बनानी पड़ी। तो मैं बस 2-3 दिन पहले ही आया हूँ पाकिस्तान से, तो ज़बरदस्त आके अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने खैर खैरियत से दोबारा पहुँचा है। तो ख़ूबसूरत किस्म का मुल्क और ख़ूबसूरत किस्म की जगह, तो आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। व्लॉग आने वाला है, यहाँ का पहला व्लॉग वापस आने के बाद, तो आप लोग जुड़िए रहिएगा और इंशाल्लाह वीडियोस देखते रहिएगा। और जो जो लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिल सके और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अपनी वीडियोस लाता रहूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, और जो क्वेश्चंस हों आपके दिलों में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उनके जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलेंगे किसी और जगह, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए व्लॉग के साथ, किसी और नए जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।